अब बिहार में अपराधियों का राज, भ्रष्टाचारियों का राज है और नीतीश कुमार कहते हैं कि मेरी सुशासन की सरकार है, तो आपकी सुशासन की सरकार है तो इतने अपराध को क्यों नहीं आप इस तरह के अपराध को नियंत्रण कर रहे हैं? आप कहते हैं कि ना हम किसी को बचाते हैं ना किसी को हम फंसाते हैं, तो जो आपराधिक घटनाओं का अंजाम दिया गया तो हम आपसे ये सदन में जवाब चाहते हैं कि जो भी आपराधिक घटनाएं घटे हैं उस पर कितने पर कितनों का कितना को अरेस्ट किया गया, कितना लोगों पर चार्जशीट किया गया और कितना लोगों को सजा दिलवाया गया, इस पर सरकार से हम लोग जवाब चाहते हैं। भ्रष्टाचार, अपराध और अफसरशाही बिहार की जनतांत्रिक व्यवस्था को ध्वस्त कर चुकी है। बिहार के आवाम सुरक्षा को लेकर काफी चिंतित हैं, लगातार हत्या दर हत्या हो रही है। पंचायत से लेकर जो है मुख्यमंत्री का आवास तक भ्रष्टाचार के आंकट में डूबा हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री सरेआम संजीव हंस जैसे भ्रष्टाचारी को, दीपक जैसा भ्रष्टाचारी को बचाने में लगे हुए हैं और राज्य के राजस्व को जो है एक संगठित गिरोह के माध्यम से लुटवा रहे हैं और ऐसी हालात में बिहार की जनता जो है इस सरकार से तंग आ चुकी है। आज हम भ्रष्टाचार, अपराध और अफसरशाही के विरुद्ध जो बिहार के आवाम के खिलाफ है सड़कों पर है, सदन के अंदर। दूसरी तरफ पुल पुलिया विकास के काम हो रहे हैं, आज काम शुरू हो रहा है। हत्या, लूट, गरीबी फैली, फैला भ्रष्टाचार, इन पर कोई रोक नहीं है, कहते हैं सुशासन की सरकार। तो पूरा बिहार अपराध और भ्रष्टाचार के हवाले कर दिया गया है। औसतन 30 हत्याएं बिहार में रोजाना हो रही हैं, दर्जनों गैंग रेप की घटनाएं हो रही हैं और इन पर कोई रोक नहीं है। इनके मंत्री, राजस्व मंत्री जसवाल जी कहते हैं कि एक चपरासी से लेकर के सेक्रेटरी तक राजस्व विभाग में बगैर पैसे के काम नहीं करते हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है और इनके सेक्रेटरी पर ईडी सीबीआई का छापा पड़ता है लेकिन उनको हटाने का भी काम नहीं करते हैं। एक कैसी सुशासन और न्याय और भ्रष्टाचार के खिलाफ वाली सरकार है। तो इसी के खिलाफ में आज हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आज बाहर प्रोटेस्ट किए हैं, इन्हीं सवालों को लेकर के सदन के अंदर सरकार को हम लोग घेरने का काम करेंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।